अरे माधर नहीं है, श्री कृष्ण भगवान हरि प्रसाद चौरसिया जी। मेरी बड़ी बहन प्रेम और यहाँ पर उपस्थित सभी माई बाप भाई बहनों को नमस्कार। क्या कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पुरस्कार के पीछे इतने बड़े बड़े लोग जिनको सुनते हुए हम लोग छोटे से बड़े हुए और पापा जी पुरुषोत्तम दास जी जिनका और मेरे गुरु जी बहुत ही पुराने मित्र और वो परंपरा अनूप और मेरे में भी आगे चली आ रही है। वैसे हम दोनों स्ट्रगल टाइम के दोस्त हैं। हम लोग घंटों गाड़ी में बैठ के बात किया करते थे गाने बजाने की। और जिनके नाम से ये अवार्ड है वो तो सही मानो में भजन सम्राट कहे जाते थे। आज भी उनके गाए हुए भजन कानों में गूंजते रहते हैं। और मुझे याद है मैं भारतीय विद्या भवन में मेरा पहला प्रोग्राम था मेरे गुरु जी के साथ पंडित जी यालाल हसन जी के साथ। तो सामने ये लोग सब बैठे हुए मैंने देखे। मैं गा रहा था, मेरे ख्याल से बिहार या कुछ ऐसा गा रहा था। तो मेरा गाना होने के बाद इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली। और पहली बार मैं हरिओम शरण जी से मिल रहा था। वैसे ही उनके गाने का बहुत मैं भक्त रहा हूं। इतनी खूबसूरत आवाज भजन में बहुत कम सुनाई देती थी। तो उनके नाम का ये अवार्ड है तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। और जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं इस अवार्ड को लेते हुए बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। और एक भाई ही भाई का इस तरह सम्मान कर सकता है। अनूप के कलीग के नाते बहुत ही हमारा गहरा रिश्ता है, मगर मेरे उत्थान के लिए भी वो हमेशा मेरी मदद मेरी चिंता करता रहा है। तो ऐसा दोस्त ऐसा भाई कहां से मिल सकता है। इस जमाने में तो ज़रा मुश्किल है। तो मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि इसका प्यार इसी तरह मुझे और मेरे आजीवासन पे बना रहे। और फिर से एक बार जजेस जूरी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक यू वेरी मच।